ओ भाई, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी जस्ट नहाया हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होके अभी यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है तो अभी थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा, वरना आप तो फॉरवर्ड तो कर ही लोगे। तो थोड़ा मतलब बढ़ा लो, 10 सेकंड 20 सेकंड तो अभी चलते हैं, पहले बहुत लेट हो रहे हैं। सो बिना देरी लगाए हुए चलते हैं अभी। ऑलराइट, अब हम लोग आ गए हैं हयात रिजेंसी गुड़गांव। तो ऑब्वियसली यहाँ से तो बहुत दूर है हमारे ऑफिस से। तो पहली बात, अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो। द वेबसाइट से लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू फॉलो दैट। और अभी यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा दूर है, एंड वी आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन मेकअप एज वेल। और जानते ही हो इतनी दूर हम क्यों ही हैं कि फालतू में। और बहुत यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, स्पेशली इन कार ड्राइविंग। और टाइम कंज्यूमिंग भी रहा और थकान कंज्यूमिंग भी रहा। थकान पूरी अच्छी खासी करा दी इसने तो। बट अब चलते हैं यहाँ से, अभी देखते हैं कि यार होटल वाकई में यार लुकिंग रियली 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 फैबुलस। सो देखते क्या करते हैं, और स्पेशली मैं क्या करता हूँ पहले वो देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आसपास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज अभी हमने गुड़गांव का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस किया, तो यहाँ से टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आफ्टर यू नो फ्रॉम टोल प्लाजा टिल 1 किलोमीटर आफ्टर टोल प्लाजा कुछ भी नहीं है, लिटरली इट्स नथिंग ओवर हियर। सो होटल में रहना पड़ेगा। बट और दूसरा, यहाँ पे वैले पार्किंग है तो उन्होंने अपनी जगह पार्क कर दी, तो मैं गाड़ी पे भी नहीं जा सकता हूँ। सो इट्स अ हेल लॉट ऑफ रिस्क यार, क्या करूँ, बिल्कुल ही हालत खराब है। बट या लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे और क्या करते हैं आज। यहाँ पे तो कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है ये जगह। और स्पेशली जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यू नो काइंड ऑफ 5-स्टार ट्रीटमेंट है, एंड इट्स रियली रियली फैबुलस। एंड आई रियली लव दिस होटल इन द फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, तो ये भी है होटल एट फर्स्ट साइट, होटल का प्यार एट लव एट फर्स्ट साइट। तो दिस इज रियली लुकिंग फैबुलस। ऑल्सो फॉर ऑल दोज मेन जो भैया आते हो इतनी दूर भैया ट्रैवल करके, तो हमेशा ये चीज़ लेके चलो। सो दिस इज द पॉकेट परफ्यूम, हमेशा रखा करो और स्पेयर मोमेंट पे रखा करो, क्योंकि पता ही है भैया हर जगह तुम्हारा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। जितनी अच्छी सेंट होगी तुम्हारी, दे विल फील रियली गुड कि भैया तुम मतलब ही इज प्रिपेयर्ड रियली फॉर्मली। और जहाँ तक कहा जाए तो आई एम रियली प्रिपेयर्ड वेरी फॉर्मली। तो जिनको ये शर्ट के बारे में पता है ज़रूर कमेंट करो, और जिनको नहीं पता है तो आई वोर दिस इन लखनऊ, और लखनऊ वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो ज़रूर देखो, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और अभी बीच में मैं करूँगा घर जाके कि मैं उसको प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो चलते हैं फिर आगे। टूर तो करके दिखा दूँ, हाँ यार रूम टूर करना है यार। रूम टूर करके दिखाता हूँ अभी। देखो ये भी सही तो आइडिया यहाँ है से यार। रास्ता है, और बाथरूम थोड़ा रुक के दिखाऊंगा। सो हियर कम्स द रूम। यहाँ पे टू ट्विन साइज बेड्स हैं, और ये है सोफा एक है, और यहाँ पे टीवी है, और बेस्ट ऑफ ऑल ये है। ये इस पे तो टाइम लैप्स निकालने में मजा आएगा, है बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ से तो। और नीचे इधर क्या हो रही है, शादी हो रही है इधर, तो अब सारे वॉशरूम ही रहोगे यार। दैट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी ओवर हियर। सो टाइम लैप्स देख के बहुत मजा आएगा। ऑल्सो बाथरूम दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज बाथ टब ओवर हियर, बहुत बढ़िया। भैया जिनको नहाना है नहा लो, और देयर इज अ गुड शावर हॉल ओवर हियर, बहुत ही अच्छा। ये मतलब एक सेपरेट बना रखा है बाथ टब के लिए और शावर हॉल के लिए, तो ये जो समझ रहे हो ये नीचे हो जाएगा, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको देख नहीं पाएगा।
और ये इतना बड़ा मिरर, दैट्स ब्यूटीफुल ओवर हियर, बहुत ही अच्छा लाइट सेटिंग है। तो जो भी ऐसे यूट्यूबर होंगे तो उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा कि यहाँ पे वीडियोस आराम से बना पाओ, बहुत ही इजी हो जाएगा। और यहाँ पे भैया बॉम्ब गिराने का है, और आई गेस यहाँ तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो रूम टूर सक्सेसफुल, और तब तक आप टाइम लैप्स के मजे लो। बड़ी गलती कर दी, फ़ोन का चार्जर नहीं लाया, बट इससे बहुत कम बैटरी है, बट एक जीवन दान आ गया है पत्नी के से। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि कुछ एक चीज़ है नहीं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, बट समहाउ इट्स नाउ नीडेड राइट नाउ। तो अब यहाँ से जाना है, लेने जाना है, बट रियली डोंट नो कि यहाँ से, मतलब पता क्या, यहाँ पे आसपास में ना सिर्फ होटल्स का यही चक्कर है कि आसपास का यहाँ पे कुछ भी, मतलब ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से हम लोग कुछ आराम से खरीद सकें। बट फिर कोई गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग इट इज शोइंग दैट इट्स 1.5 किलोमीटर्स अवे, सो मे बी दैट विल डू। एंड तब तक फोन चार्ज कर लूँगा जब, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लाइक देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थोड़ी बहुत बीच में भूख सी लग गई, और अभी जस्ट खाने के लिए वेट कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टूट पड़ूँ। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ राइट नाउ, बिकॉज माई फोन इज़, फोन्स बैटरी इज़ वेरी लो, सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल जस्ट शो यू हाउ ब्राइड्स आर लुक, हाउ पीपल आर लुकिंग, स्पेशली ब्राइड। एंड then after that I think I will end the vlog in my home obviously, but yaar aise hi soch raha hu kyunki because my phone's battery is very low and plus I don't have any charger also, so it's a heck of a deal, so I really need to use it very wisely as soon as possible, and it's just showing that my battery is very low, very kinda low, like 25-24%, so I really need to use it properly right now. So I'm really sorry first of all ki charger lana bhul gaya, but dekhte hain jo bhi acha ho sake to I'll try to do it, and kya kar sakte hain, aisi mushkil aati rehti hai, but koi dikkat nahi, aapke liye to vlog hai hi acha mil raha hai, to आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर दबा दो और शेयर कर लो अपने भाई बंधुओं के साथ, यार ये दिखा दो कि भैया अच्छा ब्लॉगर आया है। तो आई होप यू रियली लाइक इट द ब्लॉग, सो प्लीज। लिटरली फॉर दिस थिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल सन सेट, मैं सनराइज बोलने वाला, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। Camera again not doing justice, but my eyes are आ तो गए, बट आप सोच रहे होगे कि भैया मैं कहाँ से बैठ के बात कर रहा था, एक्चुअली आई वॉज ईटिंग अ पेस्ट्री, और जो पेस्ट्री खा रहा था दैट्स माई मॉम्स फेवरेट पेस्ट्री, एंड इवन आई लव्ड इट सो मच, और आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, यमी टमी कॉर्नर आई थिंक, गुड़गांव सेक्टर 82 आई थिंक, और ये सफायर 83 के मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो भाई साहब क्या पेस्ट्री बनाई थी यार, मजा आ गया यार, ऐसे कोई पेस्ट्री बनाया ना, वो भी फ्रेश बनाया था टू बी फेयर, बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही स्वीट था यार, बहुत मजा आया मेरे को। अभी यहाँ से जस्ट चलते हैं घर, और अभी यहाँ पे काम हो गया, सॉरी इतना दिखा नहीं पाया मैंने, जैसा कहा कि फोन की बैटरी बिल्कुल लो है, तो अभी यहाँ से चलते हैं घर, और घर चल के आपसे बात करते हैं, तो एक सेकंड में आपसे मिलता हूँ।
और भैया वापस आ गए हैं घर। अभी जस्ट आया हूँ और अभी जस्ट यहाँ पे बज रहे हैं 11:30। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और एक्चुअल में 3 घंटा मतलब गाड़ी चलाना इज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा थकान हुई, और प्लस एम्प्लॉयज़ को भी घर छोड़ना, स्पेशली लेडी है तो लेडीज़ को घर पे ही छोड़ो, इट्स गुड एंड इट्स सेफ फॉर देमसेल्स टू। तो क्या कर सकते हैं, और मेन बात अभी यही नहीं है। मेन बात अब मैं बोलने वाला हूँ वो है, मेन मेन बात यह है कि टुमारो हम लोग फिर से जा रहे हैं और वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस एंड वापस अब पता नहीं कितने बजे आएंगे। और वैसे मेरा पता नहीं, आई एम नॉट सो श्योर, बट आवर टीम इज गोइंग, तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। और क्या कर सकते हैं यार, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई। नॉट जस्ट कि मतलब मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि आई एम नॉट बेसिकली अ मेकअप आर्टिस्ट, बट थिंग इज कि सामान का उतारना चढ़ाना और गाड़ी चलाना और फोटोज खींचना, अकाउंट्स का रखे रहना, वो सब बहुत टफ है। और उससे भी ज़्यादा टफ है ये मेरे हिसाब से तो गाड़ी चलाना, स्पेशली रात में। गए थे 60 किलोमीटर, वापस आए ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर, सो इट्स रियली टफ जॉब। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मैंने भी शर्ट ही उतार दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कोई नहीं, वापस पहन लूँगा। तो आज यार व्लॉग इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा थकान है, और आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और दिस वॉज इफ नॉट बट द गुड वन, आई थिंक आई विल नॉट से द बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई एम श्योर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो आज इतना ही रखते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिसके साथ भी करना चाहो ज़रूर करो। और आपको लाल वाला बटन दबा देना है इधर, तो सब्सक्राइब दबा देना, मैं जर्नी में शामिल हो जाना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वीडियोज आती हैं, मगर आपकी क्या राय है मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर कमेंट करो और ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।